गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिस्टर आप मिलन के कंसीलर के बारे में बताने जा रही हूँ। एक परफेक्ट मेकअप ही आपको दे सकता है खूबसूरत लुक। मेकअप में हुई चूक आपकी खूबसूरती को बिगाड़ सकती है, इसलिए आइए जानते हैं कंसीलर लगाने का सही तरीका। कंसीलर के बारे में आपको बता दें कि ये मेकअप में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी प्रोडक्ट में से एक है। ये आपके चेहरे के दाग धब्बों और सन स्पॉट्स के निशानों को भी छुपाता है, साथ ही चेहरे को ग्लो देता है। कंसीलर आपकी आंखों के नीचे काले घेरों को भी छुपाता है। आप अपनी त्वचा की रंगत को ध्यान में रखते हुए इसके इस्तेमाल करें। कंसीलर तीन तरह की होती हैं, स्टिक, लिक्विड और पेंसिल कंसीलर होते हैं। तैलीय त्वचा वालों को लिक्विड कंसीलर का इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं मुहासों को छुपाने के लिए पेंसिल कंसीलर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके टिप पॉइंटेड होने के कारण उसे मुहासों पर लगाना आसान होता है। आंखों के नीचे काले घेरों, एक्ने, निशान या बर्थमार्क को छिपाने के लिए स्टिक कंसीलर सबसे बेहतर है। चेहरे को रेडनेस को छिपाने के लिए ग्रीन टिंटेड कंसीलर लगाएं, वहीं चेहरे को ब्राइट दिखाने के लिए येलो टिंटेड कंसीलर ही लगाएं। रेड या ऑरेंज कंसीलर डार्क स्पॉट्स को छिपाने के लिए लगाया जाता है। आंखों के नीचे काले घेरों को छुपाने के लिए स्किन टोन से मेल खाता हुआ कंसीलर लगाएं। चेहरे पर कोई कंसीलर लगाने से पहले चेहरे को क्लींजर से साफ जरूर करें, इसके बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं। कंसीलर लगाना मेकअप करने के दौरान पहला स्टेप है। इस बात का ध्यान रखें कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद कंसीलर, कंसीलर के बाद फाउंडेशन, फिर पाउडर, फिर ब्रॉन्जर, फिर ब्लश और फिर चेहरे की मेकअप की गहराई लाने के लिए चिक बोन्स, ब्रो बोन के अंदर और आंखों के कोनों पर हाइलाइटर लगाएं। होप है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।